होता कोई नहीं, उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला खुद नहीं आता, अपने किसी बंदे को भेजता है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में बेसहारा और सड़क पर रहने वाले डॉग की फिक्र करने वाली एक लड़की ने देखा कि एक डॉगी और उसके चार बच्चे नया मुरादाबाद मंगूपुरा में सड़क पर घूमते नजर आते थे। वहीं पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने डॉगी के चारों बच्चों को एक पुराने खंडहर मकान में कैद कर दिया और डॉगी बाहर रो रही थी, बच्चे अंदर रो रहे थे। उस लड़की से ये देखा नहीं गया और उसने कहा कि आप इस तरीके से इन बच्चों को कैद मत कीजिए, मुझे इनसे बहुत सहानुभूति है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इनको कैसे बाहर कीजिए। महिला और उसके परिवार वाले उस पर झल्ला उठे और डांट कर भगा दिया। तभी उस लड़की ने इनको कैसे बाहर निकालने के लिए पशु संरक्षण मंत्रालय दिल्ली मेनका गांधी के एनजीओ को फोन किया, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद लड़की ने मंझोला पुलिस को डायल 112 पर कॉल की। उसके बाद भी कई घंटे बाद पुलिस पहुंची और उन बच्चों को कैद से बाहर किया। देखिए खबर, जिसका कोई नहीं उसके लिए उस लड़की ने कितना प्रयास किया और इसको मिली सफलता। इसकी वजह से इस लड़की ने मीडिया और पुलिस को धन्यवाद किया। हाँ, क्या मामला है? कभी सूचना आई थी हमारे पास, कुछ तो कैद कर रखा है किसी ने, क्या रहा उसमें? ऐसा है, छोटे बच्चे हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो उसके बारे में इतना नहीं जानते हैं कि उनको क्या केयर करनी चाहिए जी। उन्होंने इस वजह से वो दीवार के, वो छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ पे वो भी अपना लैटिन वगैरह कर देते हैं, सोचा है गंदा ना हो, उन्होंने दीवार के पीछे करके वो कच्ची ईंट लगा दी। उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभी उन बच्चों को मुक्त करा दिया गया वहाँ से? हाँ, जो चाहते थे उनके पास पहुँच गए हैं वो। हाँ, बच्चे वो है ना, एनिमल्स हैं, छोटे हैं, उनको भी नहीं था, उनको इतना आइडिया ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं कर क्या रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपने बचाव के लिए उनको वहाँ रख दिया कि हमारा घर गंदा ना करे। मेरा नाम दीपा कश्यप है। क्या मामला है, पुलिस बुलाई थी आपने? सर, कुछ गली के स्ट्रीट डॉग हैं जिन्हें मैं खाना खिलाती हूँ, मैं उन्हें पालती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ। मेरे जो पड़ोसी हैं उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं उन्हें खाना खिलाऊँ, उनका ध्यान रखूँ। पता नहीं उन्हों को इन जानवर से क्या चिढ़ है, उन लोगों ने तहस में आकर उन जानवरों को ईंटों से कैद कर दिया सर। और उसके बाद में जब मैंने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी गाली गलौज की, जो मैं अपने मुँह से नहीं बता सकती। और उसके बाद में मैंने मजबूर में होकर मैंने पुलिस से कहा, मैंने कहा सर ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और इन बेजुबान जानवरों को नहीं छुड़ा रहे हैं। तब मुझे पुलिस ने सपोर्ट किया, मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैं उनकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ, मेरी इतनी विनती है और कुछ नहीं, कि हम स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन हो रहा है और आपको जो है इनके बारे में सोचा, क्या आप इसी तरीके से करती हैं? हाँ सर।